दमोह जिला मुख्यालय स्थित गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा की गई जांच में एक और अहम खुलासा सामने आया। इस पर गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई। यहां पर काम करने वाली प्राचार्य पहले हिंदू थी, अब मुस्लिम बन गई है। दो अन्य शिक्षक भी पहले हिंदू थे, अब मुस्लिम है। इस मामले पर बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी ने बताया कि इस मामले का खुलासा होने के बाद ये जांच का विषय है कि इनको गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के द्वारा स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर धर्मांतरण किया गया या इन्होंने स्वयं धर्म परिवर्तन किया है। वाकई धर्मांतरण का ये खेल कितना गहरा है, क्या ये बड़ी साजिश का हिस्सा है, ये सब जानने के लिए जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नापाक मंसूबे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अब बीजापुर में लाल आतंक के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं। यहां नक्सलियों के बिछाए जाल में सुरक्षा बलों के जवान फंस गए और इसमें दो जवान हताहत हुए हैं। दरअसल नक्सलियों ने थाना गंगालूर इलाके में पड़ने वाले टेका मीटा पहाड़ी में आईईडी लगा रखा था, जहां से गुजरते वक्त सीआरपीएफ के जवान इसकी चपेट में आ गए, जिसमें दो जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल जवान की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें जवान खून से लहूलुहान है। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवानों को तत्काल रायपुर एयरलिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल प्रदेश में लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई मुस्तैदी से लड़ी जा रही है। एक तरफ सरकार के द्वारा चलाई जा रही नक्सलियों के घर वापसी के लिए योजनाएं, तो दूसरी तरफ नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन। यही कारण है कि नक्सली बौखला गए हैं। वे हर वक्त नापाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अनाथ बच्चों से क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, ये बिन माँ बाप के बच्चों के साथ ऐसा सुलूक कि रूह कांप उठे। देखिए जरा, पहले ये युवती मासूम बच्ची पर थप्पड़ बरसाती है, फिर बाल पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक देती है। इतने से भी जब इसका मन नहीं भरता तो बाह पकड़कर ये बच्ची को खड़ा करती है और बेड पर पटक देती है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इस जल्लाद को दया नहीं आती। ये फिर बच्ची की पिटाई करने लगती है और इस दौरान एक और बच्ची आती है, जिसे अपने पास बुलाकर ये युवती उसकी भी पिटाई करती है। ये अनाथालय बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा देने के लिए बना था, लेकिन ये बच्चों के लिए यातना गृह बनकर रह गया है। मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शासन की मदद से चलने वाले ऐसे अनाथालयों की मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम है या नहीं। जैसा कि विधायक बता रहे हैं, अगर अधिकारियों को बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करने की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल का सोमवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। पेंटल पिछले 8 दिनों से मुंबई के अंधेरे स्थित अस्पताल में भर्ती थे। गूफी को दिल और किडनी संबंधी बीमारी थी। गूफी के भतीजे हितेन पेंटल और महाभारत में उनके साथी कलाकार सुरेंद्र पाल ने निधन की पुष्टि की। बताते चलें कि एक हफ्ते पहले गूफी की तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक्त वे फरीदाबाद में थे। पहले उन्हें फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फिर कंडीशन खराब होने पर उन्हें मुंबई लाया गया। गूफी ने 1975 में रफू चक्कर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 80 के दशक में वे कई फिल्म्स और टीवी शोज में नजर आए। हालांकि गूफी को असल पहचान 1988 में बीआर चोपड़ा के सुपरहिट शो महाभारत से मिली। शो में उन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था। गूफी आखिरी बार स्टार भारत के शो जय कन्हैया लाल की में नजर आए थे। जिंदगी का क्या भरोसा कि कब मौत आ जाए, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सड़क पर खड़ी इस कार पर एक बार नजर फेरिए। ड्राइवर की सीट पर रूफ को छेदते हुए एक सरिया घुसा हुआ है। ऐसे हादसे में जान बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुंबई से सटे ठाणे की ये घटना आपको बता रही है, जहां तीन हाथ नागे पर मेट्रो चल रही थी,
नीचे सड़क पर गाड़ियों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से एक भारी भरकम सरिया नीचे गिरता है और सीधे कार में घुस जाता है। गनीमत ये रही कि कार ड्राइवर को इस हादसे में खरोच तक नहीं आई। कार की इस हालत को देखकर हर कोई हैरान है। बहरहाल इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहां ये लापरवाही हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। आगे भी ऐसी लापरवाही हो सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। ये चमचमाती आसमान को चूमती इमारत, जिसके शीर्ष पर हरियाली ही हरियाली है, बालकोनी में पौधे, गलियारों में पौधे और पौधे बागानों में, लेकिन ये बगिया घर की छत पर बनी है जहां लहलहा रहे हैं 500 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पौधे। खंडवा में मकान की छत पर बना ये गार्डन और नाम मन बगिया। खंडवा के अवधूत संत दादाजी धोनीवाले के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है मुकेश काले का यह मकान और 600 स्क्वायर फीट एरिया की छत पर मुकेश ने 9 साल की मेहनत से मिनी गार्डन बसाया है। यहाँ 150 से अधिक प्रजातियों के करीब 500 पौधे और पेड़ लगे हैं। यहाँ धार्मिक उपयोग वाले पौधे जैसे कि तुलसी, बिल्व पत्र, पीपल, मनी प्लांट, गुड़हल, आंवला, बड़, मीठा नीम लगा है। वहीं गुलाब, गेंदा, ओलियस, एक जोरा, मोगरा, चमेली, मोरपंख भी है जो कि यहाँ सुगंध बिखेर रहे हैं। अब जाहिर है बगीचे में पक्षी तो आएंगे, लिहाजा उनके लिए भी पूरा इंतजाम रहता है। फूल की खुशबू, हरियाली, स्वच्छ हवा के साथ साथ भीषण गर्मी में तापमान से राहत भी मिलती है। इस मन बगिया को बनाने में मुकेश काले की पत्नी पूर्णिमा काले का भी योगदान है। दोनों ने मिलकर बगिया को सींचा, तब आज ये हरियाली बिखेर रही है। पूर्णिमा कहती हैं, सालों की मेहनत है तो बगिया में हरियाली है। 9 साल पहले चंद गमलों में मनी प्लांट और गुलाब के पौधे हुआ करते थे। आज नर्सरी तो छोड़िए, इसे पूरा का पूरा बगीचा कह लीजिए। अब तो इसी गार्डन से शुभ अवसरों पर तोहफे जाते हैं और यहीं आयोजित होते हैं समारोह। पर्यावरण प्रेम की ये शानदार मिसाल है। काले दंपति के सालों की मेहनत के बाद उपजे इस हरियाली की तारीफ में शब्द भी कम पड़ते हैं। मन बगिया मिसाल है कि पर्यावरण संरक्षण की सिर्फ बातें नहीं होती, देखिए हकीकत भी है। शादी में सिर्फ 7 फेरे ही नहीं लिए जाते, दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वचन भी देते हैं। वचन जिंदगी भर साथ निभाने का, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का, वचन एक दूसरे को दुख और सुख को अपना समझने का। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में हुई एक शादी इन दिनों सुर्खियों में है। शहर के पड़रा मोहल्ले में शादी संपन्न हुई। दुल्हन बारात के साथ विदा होने वाली थी, लेकिन उससे पहले दुल्हन ने ऐसी शर्त रखी जो चर्चा का विषय बन गई। दुल्हन ने ऐन वक्त पर पति और ससुराल वालों के सामने नशा न करने और जो नशा करते हैं उनसे छोड़ने की शर्त रखी। तब सभी हैरान रह गए। हालांकि सभी लोग इस शर्त को मान गए और सभी ने इसकी शपथ ली। दरअसल दुल्हन वसुंधरा के पिता सुजीत द्विवेदी नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, जिससे प्रभावित होकर बिटिया ने ये कदम उठाया। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन से 3 शावकों के साथ नजर आने वाली बाघिन नीलम T-65 घायल है। बाघिन के जबड़े के पास गंभीर घाव है, जिसकी कान्हा जोन में घूमने आए पर्यटकों ने घायल बाघिन को कैमरे में कैद कर लिया। जानकारी के मुताबिक कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन में बाघिन नीलम अपने 3 शावकों के साथ पर्यटकों को अक्सर नजर आती है। ये नीलम कान्हा में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कान्हा जोन में बाघिन नीलम को पर्यटकों ने जब कैमरे में कैद किया तो उन्हें बाघिन की आंख के पास घाव का निशान दिखा है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी लड़ाई की वजह से नीलम घायल हुई होगी। दरअसल कान्हा जोन बाघिन नीलम की टेरिटरी है, जहां पर अक्सर मोहनी नाम की बाघिन नजर आती रहती है। यहां पर बाघिन नीलम और मोहनी की पुरानी लड़ाई चल रही है। पिछली बार जनवरी के महीने में बाघिन मोहिनी ने नीलम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था,
इस बार फिर आपसी लड़ाई में नीलम घायल हुई है। बताया जाता है कि शावकों को बचाने के चक्कर में नीलम घायल हो जाती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मोहिनी ने ही इस बार भी नीलम को घायल किया होगा। फिलहाल कान्हा प्रबंधन घायल नीलम का इलाज कर उसकी देखभाल कर रहा है। पैरावट का ये ऊंचा ढेर जो अब राख में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां पर ग्राम फंडा में ऐसी चिंगारी भड़की कि देखते ही देखते पैरावट जलकर खाक हो गया। इस अगलगी में 20 एकड़ में रखा पैरावट खाक हुआ है। आग की लपटें इतनी तेजी से उठीं कि लोग कुछ समझ भी नहीं पाए। अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश तक की गई, लेकिन नाकामी हाथ आई। अग्निशमन विभाग को इसकी खबर की गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 10 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हालांकि आग बुझने से इतनी राहत तो मिली कि अब दूसरे खेतों में चिंगारी फैलने का डर खत्म हो गया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक तेज रफ्तार कार गुजर रही थी। कार में 8 लोग सवार थे। तभी ग्राम बंजारी के पास नेशनल हाईवे 52 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर पलटी कार में हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग इसमें घायल हैं। इनमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों का जिला अस्पताल शाजापुर में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार लोग मथुरा वृंदावन से धार्मिक यात्रा कर वापस अपने घर लौट रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी टीएस बघेल पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और हादसे की जानकारी लेने के साथ ही घायलों का हाल भी जाना। सिर पर कलश लेकर पदयात्रा और तमन्ना बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की। धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता भला, देश ही नहीं दुनिया में शास्त्री की खूब चर्चा है। हर मंच से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले शास्त्री के चर्चे अब पर्चे तक सीमित नहीं है। शास्त्री के प्रति दीवानगी हर जगह देखी जा रही है। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो उठते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये दीवानगी है शास्त्री से विवाह की एक युवती जो MBBS की छात्रा है, नाम शिवरंजनी तिवारी, जो गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकलती है और पदयात्रा शुरू करती है बागेश्वर धाम के लिए। शिवरंजनी जब चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़ा पहुंची तो वहां मनोकामना पूरी होने के लिए साधु संतों का आशीर्वाद लिया। शिवरंजनी ने एक जगह शास्त्री को प्राणनाथ तक कह दिया है। हालांकि अपने बयान में शिवरंजनी ने 16 तारीख का जिक्र करके संशय भी बरकरार रखा है। इस यात्रा में युवती के पिता भाई सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड जर्जर हो चुका है, जिसका खामियाजा यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। मैदान जर्जर होने से खेल रहे बच्चे जख्मी हो जा रहे हैं, जिससे कई बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है। दरअसल नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा करीब 10 साल पहले बास्केटबॉल खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया था, लेकिन 10 सालों में प्लेग्राउंड जर्जर हो गया। ऐसे में प्लेग्राउंड को मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन प्लेग्राउंड देकर मरम्मत करने की जिम्मेदारी से अधिकारी ने किनारा कर लिया है। जर्जर प्लेग्राउंड की वजह से बास्केटबॉल खेल रहे कई बच्चे खेलना छोड़ रहे हैं। खेल के मैदान को जिम्मेदार अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन जिसका खामियाजा मासूम छोटे खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। गली में खड़ी ये कार और उस पर भारी भरकम पत्थर फेंकते बदमाश। बदमाशों के बुलंद हौसलों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां बदमाशों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि बदसलूकी भी की। घर की छत से चोरी छिपे इस वारदात को कैमरे में कैद कर लिया गया, जो अब आपके सामने है। जिले के मुरार के तिकोनिया इलाके की ये घटना है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब आधा दर्जन की संख्या में बदमाश कहर बरपा रहे हैं। बदमाशों ने घर में भी पत्थर बरसाए। घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं।
अब सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कनपट्टी से कट्टा सटाए, ब्लैक शर्ट और लुंगी पहने, आंखों पर काला चश्मा और रुतबा पूरा फिल्मी। जी हाँ, ये रील्स का बुखार है। ये अलग बात है कि रील्स बनाने वाले युवाओं के हाथ में दिख रहा सिर से सटा ये पिस्टल नकली है, लेकिन सोशल मीडिया में खौफ कायम करने वाली मानसिकता भरी रील्स पर प्रशासन भी सख्त है। फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में युवा ऐसे रील्स खूब बना रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पता लगाने पर पता चला कि युवक छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें पकड़ा, जमकर फटकार लगाई और समझाइश देकर छोड़ दिया। बैंक में कंप्यूटर, प्रिंटर, एटीएम मशीन, नोटों की गड्डियों को गिनते कर्मचारी, जरूरी काम के लिए ग्राहकों की भीड़ सहित तमाम चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने देखा है बैंक में फुफकार मारते हुए कोबरा को? नहीं देखा तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की हैं। यहाँ के SBI बैंक के सर्वर रूम में कोबरा सांप बैठा हुआ था, जिसे देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद RCRS टीम मानिकपुर SBI शाखा पहुंची और कोबरा का रेस्क्यू किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ियों के बीच बसा प्राचीन सारासोर धाम श्रद्धालुओं के अटूट आस्था का केंद्र है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर झिलमिली प्रतापपुर मार्ग पर स्थित ये धाम, यहाँ कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसे देखने और जानने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। छोटी छोटी नदियों से मिलकर बने महान नदी के बीच टापू पर भोलेनाथ और सतलोकी देवी माँ विराजमान हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में मंदिर के नीचे पानी के रास्ते जाकर बैगा पुजारी पाताल लोक में देवी माँ की पूजा किया करते थे। कहते हैं कि पाताल लोक में पूजा करने के दौरान बैगा का तलवार वहाँ छूट गया था और जब बैगा उसे वापस लेने गए तब देवी माँ नाराज हो गई और पाताल लोक में आने से मना कर दिया, जिसके बाद से ही नदी के ऊपर ही भोलेनाथ का मंदिर बनाकर पूजा की जाने लगी। मान्यताओं में ये भी है कि सारासोर स्थित पाताल लोक का मार्ग भी यहीं से जाता है, जिसका आज तक कोई थाह न लगा सका। यहाँ का पानी आज तक नहीं सूखा, जिस पर आज भी शोध जारी है। सारासोर धार्मिक स्थल से ही राम वन गमन पथ का मार्ग है, जहाँ से त्रेता में राम, लक्ष्मण और सीता वन में विश्राम करने गए थे। और कई मान्यताएं हैं जो इस धाम को और खास बनाती हैं और रहस्यमयी भी हैं। फाइव स्टार वाली, नुक्कड़ की दुकान वाली, असम दार्जिलिंग वाली, तरह तरह के चाय की चुस्की आपने ली होगी। MBA ग्रेजुएट चाय वाले भी देखे होंगे, लेकिन मुंबई में इन दिनों एक अलग चाय की धूम है। मायानगरी में एक्टिंग का अरमान लेकर पंजाब और हरियाणा से आए दो युवकों ने चाय की अनोखी दुकान खोली है। जितनी बेहतरीन इनकी चाय है, उससे भी ज्यादा शानदार इनके चाय बेचने का स्टाइल है। मुंबई की सड़कों पर ये 75 लाख की ऑडी कार में चाय बेचते हैं। जी हाँ, ऑडी कार में सैर बड़े बड़े रईसों का सपना होता है, लेकिन इन्होंने ऑडी को चाय की दुकान बना दिया। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसी तर्ज पर ऑडी चाय वाले की शुरुआत हुई। इन युवकों का कहना है कि एक दिन रात को टहलते समय चाय की तलब लगी, खूब ढूंढा, चाय न मिली और तभी इन्हें चाय बेचने का आइडिया आया। चाय को यूनिक बनाने के लिए इन्होंने अपनी ऑडी में चाय बेचने का फैसला लिया। इनकी योजना अब मुंबई में ऑडी टी फ्रेंचाइजी शुरू करने की है। इन दोस्तों को अपनी एक्टिंग के जरिए नाम कमाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऑडी चाय ने इनकी कमी पूरी कर दी। ऑडी चाय से पहचान के साथ साथ ये पैसे भी कमा रहे हैं। चाय बेचने का ये अनोखा आइडिया लोगों को पसंद भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हम
संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व, हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। ये कभी न खत्म होने वाला दर्द, वाकई जिम्मेदारी यहाँ कैसे खत्म हो सकती है? ओडिशा के बालासोर में हुआ भीषण रेल हादसा, 280 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत, अफरा तफरी, चीख पुकार के 51 घंटे बाद रूट पर ट्रेन्स का परिचालन बहाल किया जा सका। रविवार रात को पहली मालगाड़ी को प्रभावित जगह से गुजारा गया। इसके बाद सोमवार सुबह पहली यात्री ट्रेन भी यहां से गुजरी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे रेल यात्री अश्विनी वैष्णव पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डटे रहे।